संसद के द्वारा बनाए गए संविधान से होता है और वो भारत का संविधान, वो इंडिया की डेमोक्रेसी, जो वर्ल्ड में जितने भी सिस्टम बने उनमें एक यूनिक सिस्टम के रूप में जानी जाती है और वही संविधान हमारा हमें इस बात की गारंटी देता है, इक्वल राइट की गारंटी देता है, समानता के अधिकार की गारंटी देता है। और साथियों, समानता के अधिकार की गारंटी का इस देश में ग्रामीण बैंक कर्मचारियों से अच्छा उदाहरण शायद ही कहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सन 1975 में कमर्शियल बैंकों ने जब भारत सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने से मना किया, देश में लागू किए गए आपातकाल के दौरान जिन परिस्थितियों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई और इस स्थापना के साथ ही जिस तरह का नाइंसाफी भरा कदम उठाया गया, और वो कदम ये था साथियों, वो कदम ऐसा था जो हमारे देश में लागू संविधान की आत्मा के विपरीत था। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को तोड़ते हुए हमसे समान कार्य करने को लिए कहा गया, हमसे बैंकिंग उद्योग द्वारा किए जाने वाले समस्त काम को कहा गया करने के लिए, लेकिन जब सवाल हमारी मजदूरी का आया, सवाल हमारे वेतन और भत्तों का आया, तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि इनको राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान हम वेतन भत्ते और सुविधाएं देंगे। हमारे कुछ साथियों ने, कुछ संगठनों ने, AIRBA ने, हमने इस देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, हम वहां ये फरियाद लेके गए कि हमारे मामले में भारतीय संविधान का गला घोटा जा रहा, हमको हमारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस ग्रीवांसन को सुनते हुए साथियों, कोर्ट में रिट फाइल हुई थी रेगुलराइजेशन की, कि उनको काम करने की तिथि से रेगुलराइज करना चाहिए। एनआईटी वार्ड में जस्टिस अब्दुल्ला रेड्डी ने जब सुनवाई की एनआईटी वार्ड की, तो उन्होंने बखूबी ग्रामीण बैंकों में जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, उस मुद्दे को भी उन्होंने बखूबी उसमें उद्धृत किया और ये सिफारिश किया कि ऐसे सभी लोगों को उनको काम करने की तिथि से नियुक्तिकरण करना चाहिए, और वो नियुक्तिकरण एक बार सभी ग्रामीण बैंकों में किया गया। आज साथियों, आज जिस हालात में हम जी रहे, आज हमारे सामने जो मुद्दे हैं और उनमें सबसे जो संवेदनशील मुद्दा है, अगर ये हमारा ग्रामीण बैंक एक परिवार है, एक शाखा पे अगर हम 5 लोग 6 लोग काम करते हैं, एक परिवार की बात रहते हैं,